असर है, तो क्या हम ये माने कि दोपहर बाद पश्चिम बंगाल में भी इस तूफान का असर कम होगा? देखिए, फिलहाल तो तूफान की बात करें तो असर इसका बढ़ता जाएगा। अगले 3 घंटे से 4 घंटे जो है बहुत ही क्रूशियल है। लैंडफॉल शुरू हो चुका है 9:15 बजे ठीक, ये लैंडफॉल प्रक्रिया जो है शुरू हुई है और 3 घंटे जो है वो विनाशकारी होंगे। हवाओं की गति सबसे तेज होगी, लगातार हवा की गति बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो है कई जगहों पर पेड़ जो है वो टूटकर गिर रहे हैं। ये तस्वीर भी सामने आई है। मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह से ही जो 99 सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है वहाँ पर बैठी हैं। जानकारी यह है कि करीब 10 से 11 लाख लोगों को अपने घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। NDRF की टीमें, करीब 46 टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन ये जो तूफान है ये निश्चय ही विनाश जो है वो लेकर के आ रहा है, क्योंकि हवाओं की गति जो बताई जा रही है वो गस्टिंग स्पीड जहां पर लैंडफॉल हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की होगी। और ये इलाका बिल्कुल उड़ीसा से सटा हुआ है, पूर्व मिदनापुर में दीघा में हूँ, यहाँ पर पानी जो है समुद्र का वो रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना में भी यही देखने को मिल रहा है कि नदियों का पानी, नदियां उफान पर हैं। मैं याद दिला दूं कि पूर्णिमा होने के कारण पहले से ही नदियां और समुद्र उफान पर हैं और उसके बाद जो ये तूफान है ये विनाश की दस्तक लेकर के आया है और पानी रिहायशी इलाकों में कई जगहों पर गाड़ियाँ जो है वो पानी के नीचे आ गई हैं। और फिलहाल जो है ये तूफान वो उसका जो वेग है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है आशिका, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा में होगा, लेकिन उससे पहले ही तूफान की वजह से राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भुवनेश्वर की है और यहाँ यास की वजह से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर भद्रक की है और वहां भी तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। तीसरी तस्वीर बालासोर की है, यहाँ यास की वजह से लगातार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर केंद्रापड़ा की है, यहाँ एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो ओडिशा की 4 तस्वीरें आपके सामने और जैसा कि मौसम एक्सपर्ट ने कहा कि जो अगले 3 से 4 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। हवाएं 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं ओडिशा में और दोपहर के बाद इस तूफान के कमजोर पड़ने की आशंका है, लेकिन जो 3 से 4 घंटे हैं वो काफी ज्यादा अहम है। इसके बाद ये तूफान झारखंड का रुख करेगा। ओडिशा के भद्रक से तो यास तूफान की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां तूफानी हवाओं के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े पेड़ बुरी तरीके से हिलते दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर में पेड़ अपनी जगह से ही उखड़ जाएंगे। वहीं भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भयंकर होता जा रहा है तूफान। पहले तस्वीर दिखाएंगे, मेरा कैमरा पर्सन जतन से बोल रहा हूँ कि थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे कि घंटा की स्पीड बढ़ रही है और लोगों की धड़कन तेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं चक्रवात यास की। जैसे जैसे यास पास आ रहा है लोगों की मन में आशंका और डर पैदा रहा है। जैसे जैसे जमीन की ओर बढ़ रही है यास की ताकत तैसे हो और रहे हैं। और यह चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की गहरा कितनी तेज है, हवा की रुख बढ़ रहा है ये, और दूसरे तरफ भारी बारिश भी हो चुका है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, ओडिशा में तो इस तूफान का असर है लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कई इलाके से प्रभावित है। आप जहां पर मौजूद हैं हवाएं काफी तेज चल रही है, कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं, ऐसे में तैयारी क्या है, कितनी टीमें इस वक्त राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जिस जिले पर असर होगा यही पूर्वी मिदनापुर है, उसके बाद दक्षिण 24 परगना। NDRF की 7 टीमें पूर्वी मिदनापुर में लगाई गई हैं, 2 यहां दीघा में लगाई गई हैं। मैं तस्वीरें यहां
पर आपको दिखाऊं तो हवा की क्या गति है वो देखिए, पेड़ जो है कैसे झूम रहे हैं वो देखने को मिल रही है तस्वीरें, और लगातार जो है पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें जो है जगह जगह पर जाकर के जो लोग अभी अपने घरों में हैं उनसे शेल्टर में जाने की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच जो तूफान के बाद चाहे पेड़ गिरने से रास्ते ब्लॉक हों, लैंप पोस्ट गिरें, उनके उनको हटाने के लिए, रास्ते साफ करने के लिए पूरी तैयारी एनडीआरएफ की तरफ से है। अत्याधुनिक कटर जो है वो लाए गए हैं, और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी सभी जगह जो नगर निकाय नगर निगम हैं उनको निर्देश दिया गया है कि राहत और बचाव का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि समुद्र और नदियों का पानी उफनने के वजह से वो रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, लो लाइंग जो एरियाज है वहाँ पर समुद्र का पानी, दक्षिण 24 परगना में नदी का पानी वो जो है रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिनको निकालना, जिनसे जूझना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए। ठीक है आश्रिका, और इस बीच ओडिशा के भद्रक की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तूफानी हवाओं की वजह से एक मकान की छत पर लगा तीन शेड उड़ गया, और यास की वजह से तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश भी हो रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए पहली तस्वीर में तूफानी हवाओं की वजह से एक मकान की छत पर लगा टीन शेड उड़ गया, तो आप समझिए कि जो हवाओं की रफ्तार है वो कितनी ज्यादा है। दूसरी तस्वीर में यास की वजह से तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हो रही है, तो ये यास तूफान जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, टीन शेड किस तरीके से उड़ता है ये आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर भद्रक की है जहां पर तेज बारिश हो रही है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश है, नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो तूफान है वो काफी भयंकर है और इसकी वजह से नदियां भी उफान पर हैं।